गंगा विलास क्रूज। जी हाँ, एक चलता फिरता 5-स्टार होटल जिसमें वो सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो शायद आपको एक 5-स्टार होटल में भी ना मिल पाए। ये रिवर क्रूज की एक एक खासियत दिल को लुभाने वाली है। और कल यानी 13 जनवरी को पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज का उद्घाटन किया है। लेकिन ये क्या, जैसे ही इसका उद्घाटन हुआ वैसे ही इस पर सियासत भी तेज हो गई और अब राजनीति में भी एक नया मुद्दा आ गया। दरअसल सियासत तब गरमाई जब पीएम मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी सरकार कोई भी चीज में हर बार खुद क्रेडिट क्यों ले जाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रायबरेली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। और अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वालों की भाषा ही गलत है, उन्होंने एक नई भाषा की शुरुआत की है, वैध और अवैध। बीजेपी अक्सर यही करती है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बार है कि नहीं बार है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी यही बात कही। दरअसल संजय सिंह को गुस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की तारीखों का ऐलान करने पर आया, जिसके बाद आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के लिए क्या कुछ कहा इस वीडियो में सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए एक लाइन मुझे याद आती है, तू कौन मैं खामखा, तू कौन मैं खामखा। अरे भाई, तुमसे क्या मतलब है? क्यों नहीं 23 में मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए? क्यों नहीं अप्रैल में होना चाहिए? क्यों नहीं मार्च में होना चाहिए? क्यों नहीं अगस्त में होना चाहिए? इस देश के करोड़ों हिंदू तो चाहते हैं जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो, और आप क्या चाहते हैं कि जनवरी में उद्घाटन हो जिसके बाद हम चुनावी फायदा ले सके। आपकी बातों को लोग समझते नहीं है।